दोस्तों फिर से आपका स्वागत है प्राणतोष्टिक चैनल पे। देखिए आज जो है एक नया चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए जो है ये कंपनी का जो नेम है इसमें डेज लिखा हुआ है, ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है कलकत्ता में। इसमें देखिए ये जो है आप लोगों को पता चल गया होगा देख के, जो हम लोग ड्राइवर यूनिट यूज़ करते हैं 30 वाट 40 वाट 50 वाट 60 वाट, ये 30 वाट तक मैक्सिमम होता है, तो इसमें ही 40 वाट चल जाता है। तो ये डेज कंपनी का LTC3011 वाला मॉडल है। इसमें 8 ओम्स और 16 ओम सपोर्ट करता है ड्राइवर यूनिट। ज़्यादातर हम लोग जो ड्राइवर यूनिट बाहर लगाते हैं पीए सिस्टम में वो 16 ओम का होता है, और जो होम सिस्टम में लगाते हैं स्पीकर टाइप का वो ज़्यादातर 8 ओम्स का आता है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका डेटा शीट हम आज शेयर करने वाला हूँ। देखिए पहले बता देता हूँ इसका वायर के बारे में। देखिए इसमें 3 वायर लगा हुआ है, इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है सेकेंडरी वायरिंग। सेकेंडरी वायरिंग क्या है, इसमें ब्लैक जो है वो कॉमन है, और ग्रीन वाला जो 8 ओम्स का और रेड वाला 16 ओम्स का, ये यूनिट में चला जाता है। ये हम लोगों को पता है, जिसको पता नहीं है जान लीजिए, ये यूनिट में जाता है। और इसमें जो हम चलाते हैं इसको तो 100 वोल्ट देके इसको एक्टिव करना होता है, मतलब पीए सिस्टम में जो 100 वोल्ट आउट होता है उसमें ये ट्रांसफार्मर लग जाता है। देखिए इसमें वाइट वाला जो है इसमें कॉमन है, किसी किसी ट्रांसफार्मर में ब्लैक वाला कॉमन इसमें लिखा होता है कौन सा कॉमन है। ये डेज कंपनी का सारे वाइट वाला ही कॉमन होता है, ये वाइट वाला कॉमन है, इसको तो जोड़ देना है हमारे एम्पलीफायर का जो कॉमन है ग्राउंड है उसके साथ। और उसके बाद हम जो 100 वोल्ट लाइन आता है वो हम इन चारों वायर में से किसी में भी जोड़ सकते हैं, तो उसको हिसाब से ये आउटपुट देता है। इसमें देख 30 वाट 20 वाट और 15 वाट और 10 वाट, ये अलग अलग कलर के मेंशन किया हुआ है, वायलेट रेड ऑरेंज और ब्राउन। इसमें रेड में देंगे तो 30 वाट ये RMS आउटपुट निकलेगा 100 वोल्ट लाइन लेके। फिर तो ये जो है ये जल चुका है दोस्तों, अब देखिए अंदर से दिखाई दे रहा है ये जल चुका है, तो इसका हम खोलेंगे और इसका डेटा शीट क्या है वो बता देंगे, कितने टर्न रहता है, कितने टर्न में कितना कौन सा वायर रहता है, कितने उसका जो आउटपुट आता है कितना आउटपुट आता है। चैनल के साथ बनी रहिए, पूरा वीडियो देखिए, तो आपको ये वाला ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाएगा खुद वाइंडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए इसको खोल लेते हैं पहले। इसका बाहर का डेकोरेशन बहुत ही ग्लॉसी है, लेकिन अंदर का जो डेकोरेशन है ये डेज वालों ने भी ऐसा करता है, कोई सॉलिड कंपोनेंट दिया नहीं है, इसमें जंग जंग लग चुका है। मतलब इसका बाहर का जो कोटिंग है वो तो बहुत अच्छा है, अभी की भी ग्लॉसी है, गोल्डन कलर में दिखाई रहा है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल्स है वो EI कोर जो यूज़ किया है वो इतना खास यूज़ नहीं किया है। चलिए खोलते हैं। देखिए ये वाला वायर आ चुका है, तो इसमें ऊपर के तरफ जो वायर है बहुत ही पतला दिख रहा है, ये एक्चुअली ये प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ पे 100 वोल्ट आता है। तो इसका कौन से कितने टर्न में कौन से वायर लगा हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए खोल लेते हैं, पहले देखता हूँ कौन से वायर सबसे ऊपर है। ये जो देखिए पहला वाला जो है ये ब्राउन वाला वायर है, ये ब्राउन वाला जो है ये 10 वाट के लिए निकाला है, मतलब इसका आखिरी में सबसे आखिरी में ये वाला ही है, तो इसमें कितना टर्न है वो आपको बता देता हूँ। चलिए ये ब्राउन वाला वायर है, ये नीचे से आया हुआ है, इसको निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये जो है देखिए इसमें और एक वायर आ चुका है, ये ऑरेंज वाला वायर आ चुका है, तो ये 91 टर्न में आया है। देखिए ये हमारे पास जो वायर निकाला है ये 91 टर्न है इसमें, मतलब ये जो टैग का साइज भी हम बता देंगे कितने इंच का टैग है, ये इसका जो साइज है ये भी हम दिखा देंगे। तो इसमें 91 टर्न लगा हुआ है जो 10 वाट के लिए, मतलब इसका जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है ऑरेंज के साथ, ये ब्राउन का डिफरेंस जो है वो है 91 टर्न। देखिए अभी ऑरेंज स्टार्ट हो जाएगा इसके साथ, ये वाला ऑरेंज वाला वायर है, देखिए ये ऑरेंज इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये सीरीज में होता है, एक के बाद एक टैग जो कनेक्शन है वो निकल के बाहर आता है। तो 91 टर्न जो है ऑरेंज से ब्राउन तक 10 वाट के लिए आ चुका है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कितने टर्न में आता है ये ऑरेंज वाला से, इसमें डिफरेंस क्या होगा 20 वाट, शायद उतना ही टर्न आएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं 10 वाट से 15 वाट, उससे आधा टर्न आना चाहिए, फिर भी देखते हैं कितने टर्न लगा हुआ है इसमें।
देखिए दोस्तों, ये और एक वायर आ चुका है, इसमें वायलेट वाला जो आ चुका है ये 20 वाट के लिए टर्न लगा हुआ था, 15 से 20 वाट के लिए। तो इसका जो टर्न निकल आया है दोस्तों, ये आया है 50 टर्न, मतलब पहले 90 टर्न था, फिर अभी आया है 50 टर्न। जो वायलेट वाला वायर में है वो 50 टर्न, मतलब 50 आया था, और इस पॉइंट पे जो व्हाइट से आया था 90 और ऑरेंज से आया वायलेट पर 50 टर्न। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये जो आया है रेड वाला वायर में आया है, ये रेड वाला कितने वाट के लिए था, ये 30 वाट के लिए था, तो इसमें आया है 62 टर्न, मतलब 62 टर्न आया है, ये रेड में 62 टर्न तक आया है। तो इसके आगे जो है व्हाइट वाला कॉमन है, ये व्हाइट वाला, तो कॉमन कितना टर्न पे बना हुआ है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये रेड वाला वायर है पूरा निकल के बाहर आ गया है, अभी ये जो वायर है ये तीनों ही मैंने काट कर दिया हूँ मेन सप्लाई मेन कनेक्टर से। देखिए मैंने ये ओपन कर लिया हूँ, अभी इसमें कॉमन से हम चेक करेंगे कितना टर्न लगा हुआ है। चलिए इसका काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये व्हाइट वाला वायर निकल के आ चुका है, तो ये था प्राइमरी वाइंडिंग। अभी सेकेंडरी वाइंडिंग जो यूनिट में लगता है वो वाला वाइंडिंग इसमें लगा हुआ है, अभी इसको भी खुल के दिखाएंगे। इसमें जो टर्न आया है दोस्तों इस वायर से, ये प्राइमरी जो वाइंडिंग था, मतलब जो हमारा एम्पलीफायर के साथ डायरेक्ट लगा होता है कॉमन और मेन जो वाटेज 30 वाट तक, इसमें देखिए 30 वाट इसका मेन जो वाटेज है 30 वाट तक, कॉमन से 30 वाट तक ये 260 टर्न लगा हुआ था, 260 टर्न है इसमें। और उसके आगे जो है एक एक करके मैंने बता दिया सारे टर्न को। देखिए इससे प्राइमरी वाइंडिंग ही खराब हुआ है, इसमें हम चाहे तो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग को काम में ले सकता हूँ, लेकिन हम पूरा ही खोल देंगे, एक्यूरेट वाइंडिंग करेंगे पहले से। चलिए देख लेता हूँ, ये कॉपर का ही बना हुआ है, सारे वायर कॉपर का ही है, ऐसा वाला में एल्युमिनियम का कुछ वायर नहीं है। तो ये जो रेट था दोस्तों, रेट कितने ओम के लिए था, ब्लैक हमारा कॉमन है और रेड वाला जो है रेट 16 ओम के लिए है, तो 16 ओम्स में कितना टर्न है देख लेते हैं पहले। देखिए ये जो है ये 16 ओम के लिए 8 ओम से जो 16 ओम तक टैपिंग था, 8 ओम से 16 ओम, मतलब ग्रीन से रेड के बीच में जो है ये 16 टन है। आगे देखता हूँ कितना टन है कॉमन से। देखिए ये जो ब्लैक वाला वायर था ये 44 टन था, 44 टन था, तो 44 टन पहले जो है ये ग्रीन वायर तक गया है, उसके बाद ग्रीन से रेड तक आया है। तो ये जो सेकेंडरी वार्निंग है दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर में खराब होता नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इसका सेकेंडरी वायरिंग भी निकाल लिया है। तो अभी इसका जो साइज है उसको हम बताता हूँ, साइज कितना है इसका। देखिए इसका जो इंटरनल है 2 सेंटीमीटर है, पक्का 2 सेंटीमीटर है, इसमें देख लीजिए, इसमें 2 सेंटीमीटर है इसका अंदर का जो है साइज है 2 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ कितना है वो देखा देता हूँ, 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 1 इंच के करीब है, पक्का 1 इंच है नहीं, 2.5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, लंबाई है, और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आप इंची में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लीजिए। तो इस टाइप का बॉबिन होता है, तो इसी बॉबिन में जो लगा होता है प्राइमरी वायरिंग का वायर आपको दिखा दिया कितने टर्न वो भी बता दिया, और सेकेंडरी वायरिंग भी मैं आपको बता दिया कितने वायरिंग आता है कितने टर्न आता है। तो चलिए ये था इसका वीडियो, आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो आराम से बनवा सकते हो इसी टाइप से।
तो इसको हम वाइंडिंग करेंगे, इसलिए मैंने खोल दिया हूँ क्योंकि ये खराब हो चुका था और इसका प्राइमरी खराब हुआ, सेकेंडरी खराब हुआ नहीं था, आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ इसको ओपन किया। तो इसको हम रीवाइंडिंग कर लेंगे तो इससे कम बन जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।